सो हमारा ये सेकेंड डे है सनश्याम मुरुवेली में और अभी मैं मॉर्निंग में बीच के किनारे आ गई हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत है। और टाइटैनिक इधर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये थर्ड डे था हमारा मालदीव्स में और सेकंड डे था सनश्याम उलुवेली में। मॉर्निंग में हम रेडी हो गए थे सनराइज देखने के लिए, पर सूर्यदेव हमसे कंपटीशन में जीत गए और आज थोड़ा पहले ही निकल गए थे। वैसे मॉर्निंग में बीच में टाइम स्पेंड करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ताज़ी हवा और थोड़ा सी साइड वॉक करने से काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है। बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होकर चले गए। यहाँ मैं थोड़ा सनस्क्रीन लगा रही हूँ जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने चले गए थे एंड एज यूजुअल काफ़ी सारी वैरायटी थी चूज़ करने के लिए। हमारा जो पैकेज था ऑल इंक्लूसिव था, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर था प्लस बेवरेजेस, और बेवरेजेस में भी कुछ सिलेक्टेड हार्ड ड्रिंक्स थे जो इंक्लूडेड थे। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो आप ऑल इंक्लूसिव लेंगे तो वही बेटर होगा। अगर आप एज अ कपल जाते हैं तो आप हाफ बोर्ड भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर बाद हम स्विमिंग पूल में चले गए, जो कि भव्या ने उसके पापा का फेवरेट टाइम होता है। सो हम पूल में आ गए थे और भव्या की मस्ती चल रही थी। वैसे इस रिजॉर्ट में 3 स्विमिंग पूल हैं, उनमें से एक इन्फिनिटी पूल भी है। इन्फिनिटी पूल काफ़ी खूबसूरत है, आपको वहाँ जाना भी चाहिए, बट वहाँ की एक कंडीशन है कि आपकी एज 18 या अवव होनी चाहिए। किड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड देयर। सो अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको किड्स को किड्स प्ले एरिया में रख कर जाना पड़ेगा। I'm here only. Go back, back. Go back, go back. I go back. यहाँ पर कायाकिंग करने आ गए थे और मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ डीप में मत लेकर जाना, बिकॉज़ आई एम नॉट अ वेरी गुड स्विमर। थोड़ा बहुत काम चलाओ स्विमिंग कर लेती हूँ, बट मेरे पतिदेव ने मुझे कहा कि कायक जनरली उलटते नहीं हैं एंड डोंट वरी, अगर तुम गिर भी गई मैं तो हूँ बचाने के लिए, तुम बस अभी का मज़ा लो। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कायक में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे थे, तो आप अगर वाटर स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते हैं तो आप एक्सकर्शन सेंटर पे जाकर बुक भी कर सकते हैं। कुछ राइड्स यहाँ पर फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। उसके बाद हम लंच करने आ गए थे, हमें ज़ोरों शोरों से भूख लग रही थी। सो हम सब ने नूडल्स खाया और उसके बाद हम रूम में थोड़ा रेस्ट करने चले गए, क्योंकि हमें लकी डॉल्फिन सनसेट क्रूज़ में भी जाना था, जो कि हमें 4:30 बजे एग्जैक्टली वहाँ पहुँचना था। सो यहाँ पर भव्या रेडी हो गई है, मीन्स हम सब रेडी हो गए हैं और हम स्टार्टिंग पॉइंट जा रहे हैं जहाँ से हमें बोट लेकर जाने वाली थी। For a longer day.
हम समय से पहले ही पहुंच गए थे और अब तक बोट आई नहीं थी। वैसे ये वही जगह है जहां इवनिंग में कलरफुल फिशेस एकदम किनारे और ऊपर आ जाती है और बेबी शार्क्स उनका शिकार करती है। सो ये देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। सो ये हमारा वेटिंग जोन बन गया था और ये जगह बहुत खूबसूरत थी। यहाँ से ओशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। भव्या बोल रही थी, मम्मा हम इधर ही रुक जाते। For a longer day, people feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grass is green and so alive. Life is happy but it's so insane. बोट आ गई थी और हम लकी डॉल्फिन सनसेट क्रूज के लिए बिल्कुल रेडी थे। सो यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। वैसे भी नाम से ही पता चल जाता है, लकी डॉल्फिन सनसेट क्रूज। अगर आप लकी हुए तो आपको डॉल्फिन दिखेगी, वरना नहीं भी दिख सकती है। 50-50 चांसेस उन्होंने हमें बताया कि है दिखने का। और वैसे भी लास्ट 3 डेज से वो जितनी भी बार गए हैं एक बार भी नहीं दिखी। सो वी वर जस्ट होपिंग कि हमें दिख जाए। ये राइड हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था, सो हमने इसे एक्सकर्शन सेंटर से बुक किया था। हमें लगभग 3 लोगों का, मतलब 2 अडल्ट एंड 1 किड का लगभग 10K लगा था। बट ये तो मस्ट वॉच है। अगर डॉल्फिन दिखती भी नहीं तब भी ये राइड बहुत अच्छा है। सनसेट मिडल ऑफ द ओशन से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इंडियन ओशन में उन्होंने हमें लगभग 1.5 से 2 घंटा घुमाया और डॉल्फिन भी सर्च किया, बट वी वर नॉट लकी इनफ। हमें डॉल्फिन्स तो दिखी नहीं बट दूसरी कुछ फिशेस दिखी। बट कोई बात नहीं, ये राइड ही हमारे लिए मेमोरेबल था। उन्होंने हमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स दिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स और सनसेट का मज़ा लेने के बाद हम वापस रिजॉर्ट लौट गए। सो हम रिजॉर्ट लौट आए थे और लौटते ही हम उस स्पॉट पे चले गए जहाँ पर कलरफुल फिशेस और बेबी शार्क दिखती है। हम थोड़ा सा टायर्ड हो गए थे पर इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि हमारी आधी थकावट वही दूर हो गई थी। डिनर करने आए हैं और देखते हैं आज डिनर में क्या है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि इंडियन के अलावा तुम दूसरी क्विजीन भी ट्राई कर सकती हो, बट मैं इसको लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहती थी। मैं जितने भी दिन थी मैंने प्रेफर किया मैं इंडियन वेज मील ही खाऊं। वैसे लोग मानते हैं कि मालदीव्स में वेजिटेरियन खाना थोड़ा मुश्किल से मिलता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ लिमिटेशंस तो रहता है। अगर आप नॉन वेज है तो आपके लिए थोड़े ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, बट
मैं आपको बोलूँगी ऐसा कुछ दिक्कत मुझे तो नहीं हुई और आई होप आपको भी नहीं होगी। सो डिनर करने के बाद हम आ गए थे अपने एंटरटेनमेंट जोन में। सो यहाँ पे उस दिन कुछ म्यूज़िकल बैंड आया हुआ था, हमने तो इन्जॉय किया बट सबसे ज़्यादा भव्या ने इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी डांस किया उसने लगातार हाफ एन आवर से एक घंटा, वो उधर से हिली नहीं, नॉन स्टॉप डांस किया। सो हमारा पूरा दिन तो बहुत अच्छा गया। चलिए मैं आपसे मालदीव्स के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।